नमस्कार दोस्तों, मंदिर में महिला को खाना देने से ही रोका गया। मंत्री ने साथ बैठा कर खाना खाया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। अनुसूचित जनजाति की महिला और उसके परिवार को कांचीपुरम के एक मंदिर में अन्नधनम यानी कि मुफ्त खाना के अवसर पर अपमानित किया गया। उससे मंदिर में खाना देने से रोका गया और मारपीट भी की गई। अब मंत्री पी के शेखर बाबू ने महिला के साथ बैठकर खाना खाया। कुछ दिन पहले मामल्लपुरम की रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे और उसके परिवार को कांचीपुर के एक मंदिर में अन्नधनम यानी कि मुफ्त खाना के अवसर पर अपमानित किया गया। उसे मंदिर में खाना देने से रोका गया और मारपीट भी की गई, क्योंकि वह नारी कुराव समुदाय से थी यानी कि जनजाति पिछड़े वर्ग से थी। अब मंत्री पी के शेखर बाबू ने महिला के साथ बैठकर खाना खाया। महिला ने शिकायत की थी कि वह अपने परिवार के साथ मंदिर गई थी और उसे सबसे आखिर में बैठाया गया। खाना परोसे जाने से पहले कि मंदिर के कार्यकर्ता वहां आए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला ने कहा कि नारी कुराव यानी कि अनुसूचित जनजाति होने की वजह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन की आलोचना की गई। हालांकि तमिलनाडु के मंत्री पी के शेखर बाबू ने मंदिर जाकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद महिला को मंत्री शेखर बाबू और अन्य अधिकारियों के साथ अन्नधनम के लिए मंदिर में बुलाया गया। महिला और नरी कुराओं के अन्य लोगों के साथ खाना खाने के बाद मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों को बताया गया और कि सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो इस महिला के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।